बात नहीं। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلى الله عليه وسلم और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हाजी अंसार हुसैन, हाजी नासिर हुसैन मरहूम, इरशाद हुसैन, हाजी अंसार हुसैन मरहूम, मोहम्मद सादिक इब्ने हाजी अंसार हुसैन मरहूम और कुल मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन की अरवाह के लिए हदीए सवाब इरशाद फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने अमानत इलाहिया को पेश किया जमीनों के सामने, आसमानों के सामने, पहाड़ों के सामने, मगर इनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि ये अमानत इलाहिया का बोझ उठा सके। देखिए तवज्जो फरमाइएगा। उसके बाद और इंसान की अज़मत को वादे करने के लिए बयान किया कुरान मजीद ने कि अगर हमने कुरान मजीद को पहाड़ों पर नाज़िल किया होता तो ये खौफ खुदा से रेजा रेजा हो जाती। मैंने आपके सामने लफ्ज़ पहाड़ इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह ने गिरामी
कुछ लोग वो हैं जिन्होंने पहाड़ों को देखा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने पहाड़ों को अपनी आंखों से देखा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है, अभी तो हमने देखा भी नहीं, लिहाजा हम लफ्ज़ पहाड़ इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामीण वाकया अल्लाह ने कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? बहुत सारी मजबूत चीजें आपके सामने मौजूद हैं, मगर अल्लाह ने लफ्ज पहाड़ इस्तेमाल किया है। जब आप कश्मीर जाएंगे, लद्दाख जाएंगे और नेपाल की तरफ जाएंगे बॉर्डर पे जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौजूद है, और खुद हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो सिक्किम के अंदर मौजूद है, कंचनजंगा जिसे कहते हैं, कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ अगर आप वहां पे जाएं तो फिर इंसान सांस लेने के लिए दिक्कत महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है। तो ये वो पहाड़ जो हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, इतने मजबूत पहाड़ अगर कुरान मजीद इन पर नाजिल हो जाता तो ये खौफ खुदा से रेजा रेजा हो जाते। आप अदीदाने ग्रामी मुझे कहने दीजिए कि कुरान मजीद तलाश कर रहा था अपनी मंजिल, कि कौन सा ऐसा दिल है कि जो पहाड़ों से भी मजबूत है, और सिर्फ कलबे पैगंबर नजर आया जो पहाड़ों से भी मजबूत है, हिमालय पहाड़ से भी मजबूत है, अल्लाह ने कलबे पैगंबर और कुरान मजीद को नाजिल कर दिया। ये है इंसान की अजमत अल्लाह ने ग्रामी जो पुराने मजीद ने बयान की है, और पुराने मजीद नाजिल हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो मैंने आपके सामने पुराने मजीद की तिलावत की, इन्ना अलैना लल्हुदा व इन्ना लना लल-आखिरत वल-उला, बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। अब बात सारी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ आप एक लफ्ज पे गौर फरमाएं कि हिदायत के मानी क्या होते हैं। हिदायत के मानी होते हैं रास्ता दिखाना। इसका मतलब यह है कि जो रास्ता जानता होगा वही रास्ता दिखाएगा, जो रास्ता ही नहीं जानता होगा वो रास्ता क्या दिखाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा दाने ग्रामी के, देखिए अगर कोई काफिला जा रहा हो, अगर काफिला सालार रास्ता भूल जाता है तो रास्ता खुद भी भटक गया, जो काफिला है वो भी रास्ता भटक गया। तो अदाने ग्रामी रास्ता दिखाने वाला वो होना चाहिए जो रास्ते से बाखबर हो, बेखबर ना हो। इसीलिए मसल मशहूर है कि जो खुद ही रास्ते में गुम हो गया हो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। इसीलिए हमने इस्लाम में ऐसे रहनुमाओं के नक्शे कदम इख्तियार किए हैं जो ये कहता हुआ नजर आता है, जो पूछना हो मुझसे पूछ लो, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं। आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं, यानी इसका मतलब यह है दाने ग्रामी अमीरे कायनात मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी दो बातों की तरफ इशारा कर रहा है। एक ये कि आसमान के तरफ जाने के भी रास्ते हैं, मगर रास्ता जानने वाला होना चाहिए। देखिए आसमान की तरफ जाने के भी रास्ते हैं, मगर रास्ता जानने वाला होना चाहिए। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि सैकड़ों साल के बाद जब ये दुनिया तरक्की करके आसमान की तरफ जाने लगेगी तो किसी को ये गुरूर न पैदा हो कि हमने वो काम अंजाम दिया है जो इस्लाम के रहनुमाओं ने अंजाम नहीं दिया है। अदीदाने ग्रामी मौलाए कायनात ने ये अकीदा 1400 साल पहले लोगों के सामने वादे कर दिया कि देखो दुनिया में तरक्की करने वालों कभी मेरा मुकाबला न करना, हमेशा मेरे इल्म की बारगाह में सर को झुका देना। अदीदाने ग्रामी हमेशा अपने सर को मेरे इल्म की बारगाह में झुका देना। तो अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जब 1400 साल के बाद तरक्की याफ्ता अहले इल्म अली का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो कल के अरब मौला का मुकाबला क्या कर सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा और आप पता करीब आ जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा।
محمد علی محمد پر میں مانتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں لیکن ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا، جو راستہ جانتا ہوگا وہی راستہ دکھائے گا۔ تو دیکھیے آپ، دین اسلام نے روز اول سے ہی اسی کو اپنا رہنما بنایا کہ جو راستہ جانتا ہو۔ تو جو چاہتا ہوں، ملائکہ کے عملی کمالات میں کوئی کمی نہیں تھی، ملائکہ کے تقدس میں کوئی کمی نہیں تھی، ملائکہ کی عصمت میں کوئی کمی نہیں تھی، ملائکہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جو عبادت میں رکوع کر رہا ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، اور جو ہواؤں کا ذمہ دار ہے وہ ہواؤں کا ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ لیکن جب خلافت الہیہ کا مسئلہ آیا اور ملائکہ جناب آدم کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے یہ کہا بھی، پروردگار ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ خلافت الہیہ، یہ منصب ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب خلافت الہیہ کا مسئلہ آیا تو جناب آدم کو منصب خلافت پر فائز کر دیا، ملائکہ پیچھے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ روز اول سے ہی تقویٰ ضروری ہے، عصمت ضروری ہے، لیکن منصب ہدایت کے لیے یعنی راستہ دکھانے کے لیے اسی کو حاجی بنایا جائے گا جس کے پاس علم موجود ہو۔ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ راستہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا۔ علم ضروری ہے۔ تو اب دنیا کے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، یا دنیا کے عام لوگوں کو بھی، صرف مسلمانوں کو نہیں، یا ہم لوگ بھی عزیزان گرامی، کہ جب ملائکہ منصب ہدایت پر فائد نہیں ہو سکے، جبکہ ان کے پاس عصمت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو پھر یہ آج کل کے مسلمان کیسے منصب ہدایت پر فائز ہو سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کے پاس عقل بھی موجود ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ کچھ عام لوگوں کے ہاں یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ نے شریعت کے بارے میں کچھ غور کیا تو آپ جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ یہاں پہ جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں کہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن خیر، قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو منصب ہدایت پر فائز ہو، جو راستہ دکھانے والا ہے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ نے جو ایک سلسلہ جاری کیا نبیوں کا، رسولوں کا، اماموں کا، تو ان کو علم سے نوازا۔ اور جب پہلے امام اس دنیا میں تشریف لائے تو ابھی 3 دن ہوئے تھے آغوش رسول میں مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد توریت سنا رہے ہیں، زبور سنا رہے ہیں، انجیل سنا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ 3 دن کی ہیں، مگر تمام قرآنی کتابوں کو سنا رہے ہیں۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے کیوں نہیں سنایا؟ چونکہ پیغمبر اسلام کو کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس کو وہ سنا دے۔ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام مل گئے، لہذا انہوں نے موقع مناسب سمجھا اور 3 دن کے اندر پیغمبر اسلام کو سنا دیا، تاکہ دنیا والے پہچان لے جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مولا کائنات نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا، اور اب دیکھیں آپ، سلسلہ چل رہا ہے علم کے حوالے سے۔ خاص طور سے کل 7 ذی الحجہ ہے، اور 7 ذی الحجہ ہمارے اور آپ کے پوری کائنات کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا تاریخ ہے۔ آپ ایک رجب مرجب کو اس دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی عمر مبارک 57 برس، 57 برس آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ آپ کے بارے میں
ये है कि चूंकि आपने पांचवी जमात में और मौला कायनात इस्लाम का जब जमाना आप मुकाबला करेंगे, मुवाजना करेंगे, तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा मौका इल्म फैलाने का मिला, मगर उस जमाने में दुश्वारी थी, इल्म ने इतनी तरक्की नहीं की थी। लिहाजा जिस तरीके से लोगों तक इल्म पहुंचना चाहिए, चूंकि उस वक्त तरक्की नहीं हुई थी, लिहाजा जो है वो आपके सामने की दुश्वारी मौजूद थी कि किस तरीके से जो है वो लोगों को आप बताते। लेकिन फिर भी आपने जो कुछ आपको बयान करना था आपने बयान भी किया और आज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन पांचवें इमाम के दौर तक इल्म ने तरक्की कर ली, अरब की सरजमीन पर बहुत बड़े बड़े फलसफी पैदा हो गए, दानिशवर पैदा हो गए, और खुद इमाम के सहाबी या इमाम के शागिर्द कह लीजिए, सहाबी नहीं, अबू हनीफा जिन्होंने पांचवें इमाम की शागिर्दी इख्तियार की तो वो अपने मजहब के इमाम कहलाए। और आपका जमाना कौन सा है, बादशाह कौन सा है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। तवज्जो चाहता हूं जनाब इकरामी, देखें आप के इमाम का इल्म क्या होता है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जमाना है और साल में हज का मौका भी आता है, जैसा कि अभी इस वक्त चल रहा है। हाजी हज करने के इरादे से मक्की की तरफ जो है वो आने लगे, लेकिन अधीन ग्रामी हाजियों के लिए पानी का इंतजाम कैसे किया जाए, हाजियों के लिए पानी का इंतजाम कैसे किया जाए, तो उसने हुक्म दिया कि मक्के के रास्ते पर कुआं खोदा जाए ताकि जो हाजी आए तो फिर उनको कोई दुश्वारी और परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुआं खोदने वाले पहुंचे, कुआं खोदा गया, लेकिन कुआं खोदते खोदते करीब था कि पानी निकले, लेकिन अदीलाने गिरामी पानी की जगह गर्म हवा निकली। इतनी गर्म हवा निकली कि जो मजदूर थे वो झुलस के रह गए और मर गए। अब लोग परेशान है ना कि आखिर ये क्या माजरा है, कुआं खोदा और करीब था कि पानी निकले मगर वो मजदूर नजर ही नहीं आ रहे। तो अब मजदूरों की जांच के लिए जैसे कह लीजिए कि आखिर मजदूरों का क्या हुआ, कुछ और नीचे उतरे तो वो लोग भी जो गर्म हवा निकल रही थी, इतनी तेज गर्म हवा थी, वो लोग भी झुलस के उसी में रह गए। अब लोग बहुत परेशान कि आखिर जो जाता है वो वापस ही नहीं आता। फिर तीसरा ग्रुप अंदर गया, अब ये लोग भी झुलस के उसी के अंदर रह गए। तो जो चाहता निगरानी हिशाम बिन अब्दुल मलिक का जमाना, इमाम का जमाना, सब परेशान। बादशाह को खबर पहुंचाई कि जो कुआं खोदने वाले थे वो कुएं के अंदर मर गए, कोई कुएं से बाहर नहीं निकला। अब जितने फलसफी थे, मुअर्रखीन थे और जो अपने आप को दानिशवर कहते थे उन सब को इकट्ठा किया गया, जो जोग्राफिया का इल्म रखते थे उनको इकट्ठा किया गया, मगर अज़ीज़ाने गिरामी कोई ये बता नहीं सका कि आखिर ऐसा क्यों है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक परेशान, लिहाजा इल्म के दरवाजे पे अपनी जमीन को झुकाया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बुलाया गया इमाम को, आप ही बता सकते हैं इस मसले का हल आखिर क्या है, कि कुएं के अंदर जो भी जाता है वो वापस ही नहीं आता निकलकर। तो इमाम ने फरमाया, तुम लोगों को मालूम नहीं है, कुरान मजीद नहीं पढ़ते हो क्या, कुरान मजीद पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि कौम थी कौम आकाफ, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था और इतना सख्त अजाब था, और उसका नाम जो है वो जिसके जरिए से अजाब आया था रीहे करीब करके कुछ उसका नाम है, रीहे करीब इस तरह से उसका नाम है। उसकी वजह से आज तक वहां पे गर्म हवा निकलती है, इतना सख्त अजाब नाजिल किया था अल्लाह ने कि उसकी वजह से आज तक सख्त अजाब यानी सख्त हवा निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है, इसलिए जो उस कुएं के अंदर जाता है वो जो है वो मर जाता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी अब मैं ये कहूंगा जो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दरबारी थे, जो दानिशवर थे, आखिर उनको क्यों इल्म नहीं, क्या ये कोई साइंस का इल्म था, ये तो कुरान मजीद का इल्म था, हमें आकाब को कौन नहीं जानता था। मगर अज़ीज़ाने गिरामी कुरान मजीद
ये इंतजाम था अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि हमारे लिए किताब काफी है। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए किताब काफी नहीं है, जब तक वारिस किताब नहीं होगा तुम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अलीदाने ग्रामी फौरन हुक्म होगा, इमाम ने कहा दूसरे मुकाम पर कुआं खोदा जाए, इंशाअल्लाह वहां पे पानी निकलेगा। और दूसरे मुकाम पर जब कुआं खोदा गया तो अल्लाह की रहमत से वहां पे पानी उबलता नजर आया। तो आपने सुन लिया, लेकिन नतीजा यही है कि जब भी किसी भी बादशाह को कोई परेशानी आई अपनी इस्लामी हुकूमत के लिए तो फिर हमेशा इमाम ने बढ़कर सहारा दिया है और पूरी उम्मत इस्लामिया को बचाया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अजीजो ये इल्म का मसला है, इल्म के मसले को सिर्फ और सिर्फ इमाम हल कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। इमाम को अल्लाह ने पूरा इल्म अता किया है, वो इल्म में उतरे हुए हैं। ये हम जैसे लोग हैं जो दुनिया में आकर इल्म हासिल करते हैं, थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया सर्विस लग गई, अब हमसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन जब तक सर्विस नहीं लगती तब तक मुंह छोटा रहता है, कश्मकश में रहता है कि आखिर क्या हो जाए क्या हो जाए। लेकिन जैसे ही कोई छोटी मोटी ही नौकरी मिल गई तब से बड़े पढ़े लिखे बन गए अजीजो। लेकिन इमाम जिनके पास पूरा इल्म है कभी भी अपने आप को गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं पेश किया। यहां पर भी इमाम हशाम बिन अब्दुल मलिक ने बुलाया था, मना कर सकते थे मगर इमाम ने मना नहीं किया, इसलिए कि ये वो है कि जिनके जब ने ये कह दिया था कि जो मुझसे पूछना हो पूछो। अदानी ग्रामी यानी जितना इल्म का मसला है, जितनी परेशानी मुबतला हो, वो अहले बैत रहमतुल्लाह के दर पर जो है वो आ